Hi guys, my name is Akshay and welcome to Vijaya's Recipes. आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बैंगन की सब्जी. सुनने में बहुत नॉर्मल लगता होगा कि बैंगन की सब्जी, जो कि बहुत सिंपल और टेस्टी है ही. मैं जनरली बैंगन का भरता का फैन हूँ. आई लव इट जब मैं उसको घी वाले पराठे के साथ खाता हूँ ना, बैंगन का भरता कमाल लगता है. चाहे वो बैंगन का भरता हो या फ्राइड बैंगन हो, मुझे बहुत पसंद है. बट बैंगन की सब्जी ये एक्चुअली सिंपल है और मेरी मम्मी के एक ऑफिस कलीग ने सिखाया, रंजना बेंद्रे जी ने. और मेरी मम्मी हमेशा, जब भी मेरी मम्मी का ये स्टाइल रहा है कि ऑफिस में मिल बैठ के हम लोग लंच करते हैं, एक दूसरे का लंच खा लेते हैं, बिकॉज सबका लंच बहुत टेस्टी होता है. और मम्मी को जो भी पसंद आ जाता है वो उनके कलीग से, उनके फ्रेंड्स से वो रेसिपी ले लेती हैं एंड उसके बाद फिर बोलती हैं कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ. एंड ऑब्वियसली ऑल द क्रेडिट गोज टू whoever has been suggesting those lovely recipes to my mother. So, बैंगन की सब्जी, this recipe has been suggested by रंजना बेंद्रे जी to us. काफी सिंपल है, इसको आप रसम और राइस के साथ खा सकते हैं, दाल और राइस के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं एंड स्पाइसी होता है. और मैं ज़्यादा भी बकबक नहीं करूँगा बिकॉज मुझे काफ़ी भूख लगी है, तो मैं ये सिंपल बैंगन की सब्जी खाना चाहूँगा. सो टुडेज रेसिपी इज बैंगन की सब्जी एंड इफ यू लाइक आर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल विजयास रेसिपीज एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस एज सून एज वी अपलोड देम. लेट्स मेक टुडेज रेसिपी गाइस. आज हम एक सिंपल बैंगन की सब्जी बनाएंगे. ये सब्जी बनाना मैंने हमारे ऑफिस के फ्रेंड रंजना बेंद्रे से सीखी है. हमने ये करीब 400 ग्राम्स ग्रीन कलर के बैंगन लिए हैं, इसे अच्छे तरह से धो लिया है. बैंगन को कट करने से पहले हम एक मसाला तैयार करते हैं. एक कप हरा धनिया, कोरिएंडर, कोकोनट पीसेस, नारियल, करीब हाफ कप नारियल है ये, 15 से 20 लहसुन की कलियां, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को हमने टुकड़ों में काट लिया है. इन सब चीज़ों को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे. जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, इन सब का पेस्ट बना के रख सकते हैं और सब्जियों में इसे जब चाहे यूज़ कर सकते हैं. इसको हम स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे. हमने अदरक, लहसुन, ग्रीन चिलीज और ये नारियल को हमने स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है. इसे आप एक बार ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आप सब्जी बनाना चाहो ये पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं. इस पेस्ट को मराठी में हिरवा वाटन कहते हैं. हिरवा यानी ग्रीन, वाटन यानी पिसा हुआ, ये चटनी जैसा जो हमने बनाया है. हमने एक बड़े बाउल में पानी ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक. हमें बैंगन को कट करेंगे. डंठल अलग कर देंगे. बैंगन को हमने कट कर लिया है, इसे हम ये नमक के पानी में डालेंगे. नमक के पानी में डालने से ये बैंगन काले नहीं पड़ेंगे. हमने सारे बैंगन को बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है. मैं बैंगन कट करने के पहले बैंगन को धो लिया था. सब्जी बनाने के पहले एक बार ये बैंगन फिर हम धो लेंगे. ये पानी अलग कर देंगे और इसे धो लेंगे. बाउल में हम ये छलनी रखेंगे, इस पानी को हम अलग कर देंगे. हमने बैंगन से ये पानी सेपरेट कर लिया है. अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं. हमने गैस ऑन कर लिया है. पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. तेल गर्म हो गया है. अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग. अब हम इसमें डालेंगे ये बैंगन के पीसेस.
एक टीस्पून नमक, यहाँ हमने तेंदा नमक यूज़ किया है, आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, मिक्स कर देते हैं। इसे कवर कर लेंगे और लो फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम लीड हटा देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून पिसा हुआ जिंजर और गार्लिक, ग्रीन चिलीज और कोकोनट का ये पेस्ट। मिक्स कर देते हैं। फिर इसे कवर कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए, हम लीड हटा देते हैं। ये बैंगन अच्छी तरह से कुक हो गया है और ये सिंपल बैंगन की सब्जी तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे बाउल में सर्व कर देंगे। हमारा ये सिंपल हरे बैंगन की सब्जी तैयार है। ये रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।